नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे, दुबई वीज से रिलेटेड। जी हां साथियों, आपको बता दें कोरोना काल में लगभग 6 से 7 लाख लोग तो इंडिया वापस आ गए, बाकी बहुत सारे वर्कर हैं जॉबलेस हो चुके थे, कोरोना की वजह से बहुत सारे सिस्टम क्लोज हो गए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अभी स्थिति जॉब से रिलेटेड ठीक है, हालांकि बहुत सारी कंट्रियों के फ्लाइट अभी भी बैन है, इंडिया के सिर्फ विजिटर्स वहां पे जा पा रहे हैं। जी हाँ, बाकी वर्क परमिट वीजा भी बन रहा है। लेकिन मैं बता दूं, दुबई की सरकार ने, मैं यहाँ पे दुबई की सरकार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोविड को मतलब एक खत्म होने के बाद में दोबारा से अगर बात करें 2021 में दोबारा रिस्टार्ट हो रही है सभी कंट्रीज की हम बात करें, तो दुबई सरकार ने कुछ 5-7 से 8 वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, अगर आप इसके लायक हैं, इलिजिबल हैं, तो आप इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूं, बाकी आपको खुद को करना होगा, वहां जो रह रहे हैं दुबई में उनके द्वारा आपको अपने खुद को प्रोसेस करना होगा। इसमें कोई ये नहीं कि कोई एजेंट है, कुछ पैसा बीच में दे के अपना काम करवा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7-8 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उसकी सैलरी के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप इसके लायक हो, अगर जॉब आप करना चाहते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। जी हाँ, तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की। जी हाँ साथियों, आपको पता है अकाउंटेंट एक पॉपुलर सा जॉब है, सब लोगों को पता है, अकाउंटेंट की डिग्री होती है। ये मैं बता दूं, दुबई कॉर्पोरेशन एम्बुलेंस सर्विस में ये जॉब आपको मिलेगी। जी हाँ साथियों, वहां पे आपको मिल सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स ऑफ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। जी हाँ, अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 10,000 दुबई दिरहम से लेके 20,000 दुबई दिरहम पर मंथ आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। अगर आप इलिजिबल हैं इस जॉब के, तो आप वहां पे रह रहे हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आगे हम बात करें इंटरनल एडिटर। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड की जो भी वैकेंसीज आई हुई है यही सरकार की तरफ से, इसको अगर पूरी फुलफॉर्म में देखा जाए तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन विभाग में इसमें आपको जॉब मिलेगा। जी हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई अब मैं बता दूं, इसमें बैचलर्स ऑफ डिग्री कम से कम आप इसमें मांगी गई है अकाउंटेंट में होनी चाहिए आपके पास में, 5 इयर्स का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम में भी आपको इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो बता दूं, 30,000 दुबई दिरहम से लेकर 40,000 दुबई दिरहम तक इसमें सैलरी आपको मिल सकती है। जी हाँ, आगे हम बात करें भाई हेड ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ साथियों, पब्लिक रिलेशन की हम बात करें, एक जॉब आता है ना हेड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पब्लिक रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कोई जॉब होती है, उसमें भी वैकेंसी आई हुई है सरकार की तरफ से। जी हाँ, ये वैकेंसी रहेगी, मैं बता दूं दुबई कॉर्पोरेशन एम्बुलेंस सर्विस में ये जॉब रहेगा। जी हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ डिग्री इसमें होनी चाहिए, 6 इयर्स से लेके 8 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा गया है। आगे हम जॉब की बात करें, सेकंड में इनमेंडेड एरियल व्हीकल सिस्टम ऑफिसर। जी हाँ साथी, इसमें से रिलेटेड भी भाई जॉब आई है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, ये जॉब आपको मिलेगी बता दूं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप इसमें जॉब कर सकते हैं। यूनिट अगर आपकी बात करें कि भाई जॉब कहाँ रहेगी, तो दुबई का जो एयर नेविगेशन सिस्टम है वहां पे आपको इसमें जॉब मिलेगी। जी हाँ साथियों, आगे बता दूं, नेक्स्ट वैकेंसी आई है साथियों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जो भी जॉब आई हुई आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। इन सब में जो वैकेंसी मैंने बताई है ना, ये जो 2 वैकेंसी लास्ट की है, ये बता दूं दुबई की जो एयर नेविगेशन सिस्टम है सिक्योर्ड, वहां पे आपको इसमें जॉब मिलेगी। इसमें आपकी पूरी ट्रेनिंग होगी, इंग्लिश या फिर अरबी आपको पता वहां पे वही लैंग्वेज चलती है, कम से कम 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद इसमें जॉब को आप अचीव कर सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।